बहुत मारते थे, अगर घर पे बता देते थे तो और मारते थे। क्यों मारते थे? छोटी छोटी गलती आ जाती थी तो और मारते थे बहुत ज्यादा। कौन पिटाई करता था आपकी? प्रिंसिपल सर, डॉक्टर कुनैन कौर सर और अस्कुल वकार साहब। कौन सा स्कूल है? इस्लामिक मिशन स्कूल। औरों के साथ भी मारपीट करते थे या आपके साथ ही करते थे? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अपनी बात ही कर रहा हूँ। आपके साथ मारपीट करते थे? मेरा बच्चा इस्लामिक मिशन स्कूल में पढ़ता था, फोर्थ क्लास में, मोहम्मद सैफ आलम। तो उनको मारपीट किए जा रहे थे वो लोग, और पहले तो मैं यकीन नहीं करती थी, बच्चे को समझा देती थी कि बेटा इग्नोर करो, वो तो बहुत अल्लाह वाले लोग हैं और इतना अच्छा वो तरबियत प्रोग्राम में बच्चों को पेरेंट्स के लिए भी ताकीद करते हैं कि मतलब बच्चों को नहीं मारना चाहिए, और थोड़ा बहुत मार दिया होगा, छोड़िए इस बात को बेटा, आप पढ़ाई करिए अच्छे से। नहीं, वो छोटी छोटी बात को लेके मारते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, मतलब डंडों से कान खींचते। मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट भी चला है, कान पे बिल्कुल वो हाथ नहीं लगाने देता था बिल्कुल भी मुझे, तो मुझे समझ ही नहीं आता था ये इसके कान में तकलीफ क्यों हुई है। अब माशाल्लाह मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो कान तो उसका ठीक हो गया, क्योंकि वो अक्सर कान ही खींचते थे, मरोड़ते थे कान को। तो उसके चलते मैं शिकायत करती आ रही थी, तो मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया कि क्लास से बाहर निकाल के बैठा दिया कि निकलो क्लास से बाहर, वहाँ बैठ जाओ। और सुबह से जब से मेरा बच्चा गया, ये खाली क्लास में कोने में मेरे बच्चे को बैठा के रखा, ये वहाँ रोता रहा, तड़पता रहा, किसी टीचर्स को क्या दिखाई नहीं दिया, उनकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी थी, मेरे मासूम बच्चे को इस तरीके से उन लोगों ने तकलीफ दी है। आज कहाँ शिकायत करने आए हैं? शिकायत तो मैंने डीएम साहब को की थी 16 नवंबर को, डायरेक्ट उनको मैंने एप्लीकेशन दी थी, और आज मैं ये एसपी साहब से मिलने आई थी अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए।